can say hi, hi to my friends also. Hi. Okay. Hi. We are in a team. We are group mein ja rahe hain in this camp. एडवेंचर शुरू हो चुका है आज मैं लक्सोर का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड द वैली ऑफ द किंग वहाँ पर जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए शहर से थोड़ा सा बाहर है 40 से 50 मिनट ड्राइव करने के जाना पड़ेगा सो मैंने बुक किया ये कैब टूरिस्ट एक टूर एजेंसी से मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर और भी कोई लोग हैं दूसरे देश से आए हुए हैं तो मुझे यहाँ जा रहा हूँ वैली ऑफ द किंग बहुत ही खूबसूरत बाहर का नज़ारा एक पूरा क्या बोलूँ वैली के अंदर से हम लोग जा रहे हैं दो तरफ आप देख सकते हो मैं एकदम लोकल इजिप्शियन लोगों का जो घर है वो सब है वो लोग फार्मिंग करते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन्स है ये देखते देखते मैं जा रहा हूँ वैली ऑफ द किंग वहाँ पर जाकर एंट्री पास खरीदना पड़ेगा उससे मैं एंटर कर जाऊँगा वैली ऑफ द किंग अगर आप गूगल करोगे यूट्यूब करोगे लक्सोर इजिप्ट ये दुनिया के वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ मैं जा रहा हूँ आज अभी एक्सप्लोर करने के लिए सो देखते आगे आगे होता है क्या Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं इन द वैली ऑफ द किंग ये रास्ता एक मार्केट के अंदर से सो गाइस इट सीम्स ऑसम तो गाइस ये पूरा इजिप्शियन कल्चर है आप देख सकते हो पूरा इजिप्ट के लोगों का दुकान है एंड इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल सो अब तो देख सकते हो जो अरबिक लोग हैं उन लोगों का जो वेशभूषा है उन लोगों का ड्रेस उन लोगों का कल्चर कंप्लीट डिफरेंट है और मेरे ठीक सामने है दोस्तों वैली ऑफ द किंग दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कब्र के अंदर में देख सकते हैं ये बहुत ही फेमस एक टूम है एंड दिस इज द एंट्रेंस ओवर देयर ये यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है तो यह वीडियो भी मैं मोबाइल में खींच रहा हूँ सो यहाँ पर जो डिगिंग हुआ था खनन हुआ था उसके बाद ये जो ग्रेवियड को आविष्कार किया गया था गाइस से अभी नीचे अंदर भी जाना है
सो यू कैन से ये हिस्ट्री को आप देखने वाले हो, ईजिप्ट के राजाओं का जो हिस्ट्री यहाँ पर दफन किया जाता था इन देयर टोम। देखो इस रास्ते से ही राजा मर जाने के बाद इसको कब्रगाह के अंदर लाया गया था। नाउ ये है पूरा एक सुरंग के अंदर, यहाँ पर ही रहता था मॉमीज। गाइस अ ग्रेट मॉमी मूवी आपने देखा है, उस मॉमी मूवी में मॉमी को यहाँ पर ही रखा गया था। वहाँ पर तो विजुअली बनाया गया था फॉर द मूवी, पर ये आप देख रहे हो पूरा ओरिजिनल पीस ऑफ मॉमी स्टोम, मॉमी का जो कब्रगाह उसका ओरिजिनल पीस आप देख रहे हो। दोस्तों एक कब्रगाह को देखकर मैं निकल पड़ा हूँ देखने के लिए दूसरा कब्रगाह, ये है देख सकते, दिस इज अनदर ग्रेवियर्ड। ये जो इजिप्ट के जो राजा महाराजा मर जाने के बाद वो लोग सोचते थे लाइफ के बाद भी एक दूसरा लाइफ होते हैं, इसलिए ऐसे बड़े बड़े ग्रेवियर्ड उन लोगों ने बनाया है। उन लोग खुद का जो बॉडी को, डेड बॉडी को मॉमी करके रखा था और उसके साथ जो उनको नेसेसरी जो चीज़ जो ज़रूरत का चीज़ इस ग्रेवियर्ड में वो लोग रखते थे, इसको बोला जाता था मॉमी स्टॉम। तो दोस्तों हिस्ट्री को आप देख रहे हो, 4,500 साल पहले का हिस्ट्री आपके सामने है। इसके भी अंदर मैं अभी जा रहा हूँ, यू कैन सी दैट इज दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस ग्रेवियर्ड। दोस्तों मॉमी का ये कब्र देखते हुए इतना नीचे चला गया था, ऊपर उठते हुए मेरा तो जान जा रहा था, लाइक मैं ही खुद मॉमी बन जाता। बट ट्रस्ट मी गाइस, हिस्ट्री को ऐसे सामने देखना, ऐसे सामने से महसूस करना, दैट इज़ समथिंग एक्सपीरियंस। एंड यू कैन सी ये जगह तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है, बट सूरज इतना धूप, इतना भयंकर धूप है पूछिए मत। देखने में तो बहुत ही ऑसम प्लेस है, बट अगर इवनिंग टाइम में आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बट इसका भी एक फिक्स टाइम है। बट अनफॉर्चुनेटली इजिप्ट में एक ही प्रॉब्लम है, किसी भी जगह पे कैमरे लोग अलाउ नहीं करते हैं, कैमरा अगर लेना चाहते हो बहुत डॉलर में वो लोग चार्ज करते हैं, तो इसीलिए मोबाइल से ही करना पड़ता है, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बट दिस इज़ द वैली ऑफ द किंग गाइस, दिस इज़ द वैली ऑफ द किंग। तो दोस्तों अभी घूमते घूमते आ चुका हूँ रामसेस IV का जो मॉमी उसके कब्रगाह में, आप देख सकते हो ये है एंट्रेंस है, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस मॉमी गेट। दोस्तों यही है रामसेस IV का मॉमी का कब्रगाह, यहाँ पर ही रखा गया था रामसेस IV का मृत शरीर,
यहाँ से ही खनन करके उसका शरीर को उद्धार किया गया था। अभी उसका शरीर है मॉमी म्यूजियम में, इजिप्शियन म्यूजियम में कायरो में, पर इस जगह को रिनोवेशन करके टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। आप देख सकती हो तो बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर ही रमसेस फोर का मॉमी को रखा गया था। तो दोस्तों, वैली ऑफ द किंग का ट्रिप यहाँ पर ही ख़त्म। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री को प्यार करते हो, अगर यू लव हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के आप लगाव है तो यहाँ पर आओ। आपको ट्रस्ट मी, 2-3-4 घंटे रुको, यू विल फील गुड ओवर हियर, बिकॉज आप यहाँ पर हज़ारों साल पुराना हिस्ट्री देख सकते हो, फील कर सकते हो, जी सकते हो अपनी तरह से। सो जिस चीज़ को अपने किताब ने पढ़ा है, सुना है, स्टोरी पढ़ा है, उसको सामने से देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। ये है गाइस वैली ऑफ द किंग, छोड़ के मैं जा रहा हूँ। सो पता नहीं जिंदगी में कभी आ सकता हूँ फिर से, नहीं, बट एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वैली ऑफ किंग के लिए। अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते तो शेयर भी कर लीजिए। सो दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।